नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आपकी अपनी चैनल डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आयुर्वेद आचार्य पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, मैं आज जिस बीमारी के विषय में चर्चा कर रहा हूँ, उस बीमारी से भारत ही नहीं विश्व में लगभग 40 से 60 और 65% तक औरतें प्रभावित हैं। बहुत ही खराब बीमारी है, एक ऐसी बीमारी है जो लगभग 15 वर्ष से लेकर 44-45 वर्ष तक स्त्री को परेशान करती है। इस एज ग्रुप के बीच में ही वो मिलती है और 20 से 26 या 27% ये 2% से लेकर 26-27% तक जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन में ये बीमारी स्त्रियों में होती है। इसका नाम है PCOD या PCOS भी इसको कहा जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि जो व्यक्ति धैर्यवान है, जो धीरज के साथ, जो पेशेंस के साथ इस वीडियो को देख सकते हैं, उन्हीं को यह वीडियो पूरा समझ आएगा, उन्हीं को इस वीडियो से फायदा होगा और वही स्त्रियां इस वीडियो से लाभान्वित होंगी, पूरी तरह अपने पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम से या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज से कंप्लीटली क्योर हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। पर जरूरत है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, इस वीडियो को मिस ना करें, आधा छोड़ के बंद ना करें या बीच से मत देखें, स्टार्टिंग से देखें लास्ट तक, तभी आपको वो फ्रूट मिल पाएगा जिसके थ्रू आप इस डिसीज को परमानेंटली खत्म कर सकती हैं, इस डिसीज को कंप्लीटली क्योर कर सकती हैं। तो जरूरत है पेशेंस की, उम्मीद करता हूं धीरज के साथ यह वीडियो आप लोग देखेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा होने वाला है। वीडियो बड़ा है क्योंकि इसमें मैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के विषय में पूरा डिटेल आपको बताऊंगा, ये होता क्यों है, ये क्या होता है, परिचय क्या है, सिम्टम्स क्या है, इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और कुछ स्पेशल फैक्ट्स इसमें क्या हैं, ये किन किन महत्वपूर्ण चीजों को ज्यादा प्रभावित करता है और इसमें प्रिवेंशन क्या होना चाहिए, एंड फाइनली आई विल टेल यू द आयुर्वेदिक बेस्ट मेडिसिन फॉर दिस डिसीज। बहुत ही अच्छा फार्मूला बताने वाला हूं जिससे कंप्लीटली ये चीज क्योर हो सकती है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका परिचय मैं आपको दूंगा कि 2 से 26 और 27% स्त्रियों में, पूरे विश्व में, वर्ल्ड पॉपुलेशन में यह है और 15 से 44 वर्ष के बीच में यानी इस एज ग्रुप में यह डिसीज ज्यादा पाई जाती है, जिसे पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहा जाता है। 70% जो फीमेल्स हैं, 70% जो स्त्रियां हैं, उन्हें पता ही नहीं होता, डायग्नोज ही नहीं कर पाती वो कि उन्हें पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज है या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है। वो उन्हें तभी डायग्नोज होता है जब वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं या निरंतर मोटी होती जाती हैं या उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इरेग्युलर हो जाती है, यानी कि कई बार जल्दी माहवारी आ जाना तो कई बार दो दो तीन तीन महीने लेट होना और हैवी ब्लीडिंग होना या बाल आने लगना सीने पर, हाथ पैर पर, चेहरे पर और ओव्यूलेशन भी ना हो पाना और साथ में जो एंडोमेट्रियम कैंसर है उस तक ये डिसीज जब पहुंच जाती है तब पता चलता है, तब डायग्नोज करने पर पता चलता है कि ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज है या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है। अब इसके कॉजेस क्या होते हैं, तो जनरली स्त्रियों में प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन जो स्त्रियों का एक, मैं बोलूं कि स्त्रियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन्स ग्रुप है ये प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन, निकलता है ज्यादा मात्रा में निकलता है और वो माहवारी को नियंत्रित करता है। FSH और LH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकलता है जो कि जब स्त्री को जो अंडा होता है, जो एग होता है वह निकलता है तो ये ओव्यूलेशन, स्त्री का जब ओव्यूलेशन होता है तभी इंटरकोर्स में या फर्टिलाइजेशन के दौरान मेल स्पर्म से वो एग मिलकर
भ्रूण का निर्माण होता है यानी बच्चे का निर्माण होता है। तो ओब्यूलेशन जो होता है वो FSH और LH उसको नियंत्रित करते हैं तथा ओब्यूलेशन की जिम्मेदारी इनकी होती है तथा प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन की जिम्मेदारी होती है माहवारी को कंट्रोल करना, नियमित माहवारी लाना। जब स्त्री में FSH, LH और प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन कम होने लगते हैं तथा कुछ मात्रा में स्त्रियों में मेल हार्मोन निकलता है, कुछ मात्रा में निकलता है एंड्रोजन जिसे कहा जाता है, यदि वह अधिक मात्रा में निकलने लगता है तो पहली चीज तो माहवारी अनियंत्रित हो जाती है, दूसरी चीज ओव्यूलेशन रुकने लगता है, ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है, ओव्यूलेशन ना होने के कारण, माहवारी रुकने के कारण और जीन्स, कई स्त्रियों की फैमिली में भी ये जो डिसीज है ये रन करती है, यानी कि माताओं को, उनकी नानियों को, दादियों को भी यह जो बीमारी है वो रही आती है तो वो आगे की पीढ़ी में भी ट्रांसफर होती रहती है यानी रन करती है। तो जीन्स भी इसका एक कारण है। तीसरा कारण है ओवरवेट या जिसे हम ओबेसिटी कहते हैं, जो स्त्रियां बहुत ज्यादा ओवरवेट की होती हैं यानी ज्यादा ज्यादा उनका जो काया है उनकी वो बहुत विशाल होने लगती है या उनमें जो मोटापा है वो बढ़ने लगता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, गुड कोलेस्ट्रॉल कम होने लगता है, उनमें भी यह होता है। और इन्फ्लेमेशन, जिन स्त्रियों को यह देखा गया है कि जिन स्त्रियों को यह डिसीज होती है उनमें या तो आंतरिक अंगों में या फिर बाह्य रूप से सूजन जरूर दिखती है, उनके चेहरे पे, शरीर पे सूजन हो सकती है, अंदरूनी सूजन हो सकती है, तो ये सब कारण होते हैं। अब इन सब कारणों के कारण क्या होता है, छोटी छोटी सी सिस्ट बन जाती है, सिस्ट यानी फॉलिकल ही होती है वो, जिनसे अंडे यानी कि जो एग्स होते हैं वो एग्स निकलते हैं, ओव्यूलेशन होता है। तो एक नॉर्मल प्रक्रिया में एक एग निकलता है, ओव्यूलेशन होता है, स्पर्म से फर्टिलाइज्ड होता है और वहां पर प्रेगनेंसी होती है। परंतु एबनॉर्मल कंडीशन में लाइक पीसीओडी या पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में वो फॉलिकल्स बहुत ज्यादा बन जाती हैं और प्री मेच्योर एग्स उनमें होते हैं जो कि मेच्योर हो ही नहीं पाते और उनमें प्री मेच्योर एग्स भी रहते हैं और फ्लूड भी भरने लगता है, इसलिए इसको पॉलीसिस्टिक यानी बहुत सारी सिस्ट बन जाती हैं, बहुत सारे फॉलिकल्स बन जाते हैं जिनमें कि प्री मेच्योर एग्स के साथ साथ फ्लूड भी होता है, इसलिए इसको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहा जाता है। तो इस प्रकार पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के ये कॉज मैंने आपको बताए। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो सबसे पहला सिम्टम होता है कि इरेग्युलर पीरियड्स होते हैं, कई स्त्रियों में दो दो तीन तीन महीने में एक बार माहवारी होती है जबकि वो प्रेग्नेंट भी नहीं होती हैं। अविवाहित स्त्रियों में ऐसा होता है तो उसका मुख्य कारण हो सकता है पीसीओडी या पीसीओएस, ठीक है। सेकेंड चीज कि उनको बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है या कई स्त्रियों को बहुत जल्दी जल्दी जो है माहवारी आती है और ब्लीडिंग कम होती है या कई स्त्रियों को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, हैवी ब्लीडिंग होती है। हैवी ब्लीडिंग इसलिए होती है क्योंकि इरोजन जो है, जो थिक हो जाती है वॉल एंडोमेट्रियम की सर्विक्स के अंदर, वेजाइना के अंदर, तो वहां पे जब इरोजन इकट्ठे होता है तो वहां पे ब्लीडिंग ज्यादा होने लगती है या कई स्त्रियों को बहुत समय से जो है मेंसेस आ ही नहीं पाती, ओव्यूलेशन हो ही नहीं पाता, उसका कारण भी ये होता है कि जो अंडा है, जो एग है, जो ओव्यूलेशन है वो हो ही नहीं पा रहा है, इसके कारण वॉल थिक होती जा रही है और मेंसेस भी नहीं आ पा रही है। और फिर तीसरा जो इसका है कि इसमें हेयर ग्रोथ होता है, स्त्रियों को हेयर ग्रोथ होता है, 70% स्त्रियों में देखा गया है कि उन्हें हेयर ग्रोथ होता है, पुरुषों की तरह उनके चेहरे पे बाल आने लगते हैं, सीने पे बाल आने लगते हैं और पीठ पर बाल आने लगते हैं, आजू बाजू बाल आने लगते हैं जो कि देखने में बहुत भद्दा लगता है, तो उनको हेयर ग्रोथ होता है, ये तीसरा है। चौथा एक्ने, मेल हार्मोन के बढ़ जाने के कारण यानी कि एंड्रोजन के बढ़ जाने के कारण ऑयली स्किन हो जाती है स्त्रियों की और उन्हें जो जिन्हें हम कहें पीड़िकाएं या जिन्हें हम कहें कि फुंसियां या एक्ने या मुहासे बहुत ज्यादा होने लगते हैं, तो ऐसी स्त्रियों को भी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होने की पूर्ण संभावना रहती है, उनको देखकर आप समझ सकते हैं कि इन्हें यह हो सकता है। तो यह पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का एक महत्वपूर्ण सिम्टम है। उसके बाद वेट गेन होता है, वजन बढ़ता जाता है। वजन क्यों बढ़ता है, जो मेंसेस है वो तो हो ही नहीं रही रेगुलर, दूसरा कि FSH और LH का लेवल घट रहा है,
प्रोजेस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन का लेवल घट रहा है और मेल हार्मोन बढ़ रहा है तो वजन बढ़ने लगता है। और वजन बढ़ने का मुख्य कारण यह भी होता है कि इन चीजों में इरेग्युलरिटी एबनॉर्मेलिटी आ जाने के कारण हार्मोन्स में जो इंसुलिन है वह शरीर में नहीं निकल पाता अच्छे से, तो खाना भी ढंग से नहीं पच पाता और एनर्जी में वो कन्वर्ट नहीं हो पाता, शक्कर ब्लड में ज्यादा होने लगती है और उसके बाद फैट भी ज्यादा होने लगता है, बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनने लगता है, गुड कोलेस्ट्रॉल कम होने लगता है, यानी कि एलडीएल ज्यादा बनता है, एचडीएल कम होता है, इसके कारण वजन बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है स्त्री को, सूजन बहुत ज्यादा उसे आने लगती है। और फिर मेल पैटर्न में उनको वॉल्डनेस होती है, मतलब जो गंजापन होता है जैसे किसी पुरुष को होता है उसी तरह से स्त्रियां भी गंजी होने लगती हैं। तो और हेडेक इसका मेन सिम्टम, हेडेक भी एक मेन सिम्टम है, सिर दर्द बहुत ज्यादा होता है और डिप्रेशन में स्त्रियां चली जाती हैं। डिप्रेशन में क्यों चली जाती हैं? बाल आने लगते हैं शरीर पर, बाल कई झड़ने लगते हैं, गंजापन होने लगता है, पीरियड्स जो हैं इरेग्युलर हो जाते हैं, ब्लीडिंग हैवी होने लगती है और प्रेगनेंसी भी कंसीव नहीं कर पाती, तो इसके कारण बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाती हैं स्त्रियां और उन्हें एंग्जाइटी बहुत ज्यादा हो जाती है। अब इसका मुख्य प्रभाव किन चीजों पर पड़ता है, मेनली अफेक्ट किन चीजों को करती है ये चीज, ये पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज, तो इसमें इनफर्टिलिटी होती है अधिकतर केसों में। 70-80% फीमेल्स में जिनमें पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज पाई जाती है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम पाया जाता है, उन स्त्रियों में प्रेगनेंसी के चांस कम हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। यानी जब ओव्यूलेशन ही नहीं होगा, मेंसेस ही रेगुलर नहीं आएगी, ओव्यूलेशन अंडा ही टाइम पर नहीं निकलेगा, एग नहीं लिखेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो कहां से प्रेगनेंसी कंसीव होगी? तो ऐसी स्त्रियों को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है 70-80% केसेस में। तो इसका मुख्य कारण होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज। फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है कि इंसुलिन जो है शरीर में निकलता है परंतु बाहर जो है वो जा नहीं पाता है और खाना जो है अच्छे से पच नहीं पाता और एनर्जी में कन्वर्ट ना होके ब्लड शुगर बढ़ने लगती है, मोटापा बढ़ने लगता है, पित्त भी शरीर में कम निकलता है तो मोटापा बढ़ता जाता है। आयुर्वेद के एस्पेक्ट के अनुसार कफ जो है, कफ दुष्टि ज्यादा होती है इसमें, तो इसके कारण मोटापा और सूजन बढ़ने लगती है। और जिन्हें हम कहें पिटिकाएं या जिन्हें हम कहें कि अर्बुद, ये सब चीजें जो है कफजन्य होती है, उसी प्रकार ये फॉलिकल्स जो होते हैं, जो इमेच्योर एग्स जिनमें होते हैं वो फॉलिकल्स भी आयुर्वेद के अनुसार कफ की अशुद्धि और अधिकता के कारण बनते हैं। तो ये होता है। फिर स्लीप एपनिया होता है। स्लीप एपनिया क्या होता है कि स्त्री सोई 30 मिनट में फिर उसकी नींद खुल गई, बेचैनी सी हुई 30 मिनट में फिर उसकी नींद खुल गई, यानी कि पूरी नींद, गहरी नींद उसे नहीं हो सकती, वो इससे परेशान होता है। फिर परेशान होती है, एंडोमेट्रियल कैंसर होता है। एंडोमेट्रियल कैंसर क्यों होता है? क्योंकि यदि ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो वॉल थिक होती जाएगी, मेंसेस नहीं आएगी, माहवारी नहीं आएगी तो वॉल थिक होती जाएगी, एंडोमेट्रियम का थोड़ा सा इरोजन होता है, एंडोमेट्रियम से थोड़ी सी परत निकलती है जो कि माहवारी के ब्लड के साथ आती है, फ्लूड के साथ आती है। यदि माहवारी लेट होगी, यदि ओव्यूलेशन सही टाइम पे नहीं होगा तो वॉल थिक होती जाएगी एंडोमेट्रियम की और कैंसरस ग्रोथ होने लगेगी। तो एंडोमेट्रियल जो कैंसर होता है, कार्सिनोमा होता है, इसमें बेहद पाया जाता है, तो यह भी एक चीज हो जाती है। और डिप्रेशन भी इसका एक मुख्य लक्षण है, ये अफेक्ट करती है पीसीओडी स्त्री को, पीसीओएस स्त्री को डिप्रेशन में, क्योंकि यदि सही टाइम पे माहवारी नहीं होगी, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाएगी, उसके बाद बाल शरीर पे आने लगेंगे, मोटापा बढ़ने लगेगा, तो स्त्री चिंता में डूब जाती है और डिप्रेस्ड हो जाती है। तो ये थे पीसीओडी का परिचय, कॉजेस, सिम्टम्स, विशेष ये किस किन चीजों को प्रभावित करती है। अब इसका डायग्नोज कैसे होगा? तीन चीजों से इसका डायग्नोज होता है, तीन में से यदि दो भी मिल गई तो आप मान सकते हैं कि ये पीसीओडी है। पहली चीज है हाई एंड्रोजन लेवल, ये ब्लड टेस्ट के द्वारा आप पता कर सकते हैं कि एंड्रोजन लेवल कितना बढ़ा हुआ है और FSH, LH का लेवल क्या है और प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का लेवल क्या है। दूसरा, इरेग्युलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, कई स्त्रियों को 12 महीने में केवल 8 या 7 बार ही मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मेंसेस या माहवारी आ पाती है, तो उससे भी आप देख सकते हैं। और तीसरा, सिस्ट इन द ओवरीज,
तो ये यूएसजी से पता चल जाता है या सोनोग्राफी के द्वारा पता चल सकता है और ब्लड टेस्ट के द्वारा पता चल सकता है और पेल्विक एग्जाम के द्वारा पता चल सकता है कि सिस्ट कितनी सारी सिस्ट स्त्री की ओबरी में है। और तो इन तीनों में से पहला चीज कि एंड्रोजन लेवल यदि बढ़ा हो, फर्स्ट चीज, सेकंड चीज हो गई कि इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, और तीसरा सिस्ट इन द ओबरीज यानी ओबरी में यदि सिस्ट है, यदि योनि में सिस्ट है, इन तीनों में से यदि दो चीजें भी मिलती हैं तो आप मान सकते हैं कि स्त्री पॉलीसिस्टिक ओबरी डिसीज या पॉलीसिस्टिक ओबरी सिंड्रोम से पीड़ित है। तो पेल्विक एग्जाम इसमें किया जा सकता है, ब्लड टेस्ट किया जा सकता है, ब्लड शुगर करना चाहिए। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जिन स्त्रियों को पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज होती है, सिंड्रोम होता है, अधिकतर में ये संभावना रहती है कि उनमें डायबिटीज ग्रेड टू या डायबिटीज मलाइटस होगी, क्योंकि इंसुलिन जो है शरीर में पैंक्रियास के थ्रू अच्छे से निकल नहीं पाता, खाना पच नहीं पाता, शक्कर जो है ब्लड में बढ़ती जाती है, तो उनमें डायबिटीज की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, हार्ट डिसीज हृदय रोगों की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बैड कोलेस्ट्रॉल बनने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मोटापे की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, गठिया लकवा और ग्रद्धसी यानी सियाटिका की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और ये संभावना बहुत ज्यादा होती है कि स्त्री कभी गर्भवती नहीं हो पाएगी या एबॉर्शन और मिसकरेज उसको बार बार होगा। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी यह बीमारी है, कितनी खतरनाक यह बीमारी है, जिसके लिए हमारे भारत में, हमारे देश में स्त्रियां सजग नहीं है, अवेयर नहीं है। जरूरत है अवेयरनेस की कि वो अवेयर हो और इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए कार्य करें। ठीक है, अब इसमें कुछ विशेष चीज ये है कि प्रेगनेंसी जो है 70-80% स्त्रियों में प्रेगनेंसी जो है कंसीव हो ही नहीं पाती, प्रेगनेंसी वो प्रेग्नेंट हो ही नहीं पाती, ये एक विशेष चीज है। अब इसमें डाइट कैसी रखनी चाहिए, प्रिवेंशन बता रहा हूं अब मैं आपको, बचाव, इसमें डाइट कैसी रखनी चाहिए, तो डाइट इसमें लो कार्बोहाइड्रेट डाइट रखनी चाहिए, चावल मिर्च मसाला खटाई ज्यादा तेल की चीजें, मैदा बेसन और ऑयली चीजें ज्यादा नहीं खानी चाहिए, मूंग की दाल रोटी लौकी परवल भाजी अनार पपीता सेव आदि का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, तथा स्त्रियों को एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए, और ऐसी स्त्रियों को एक्सरसाइज के साथ साथ योग व्यायाम आदि भी ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। अब मॉडर्न साइंस में इसके लिए क्या दवाइयां दी जाती हैं, तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि परमानेंट क्योर उनके पास नहीं है। मॉडर्न साइंस में इसके लिए डायबिटीज में जो दवाइयां मेटफॉर्मिन वगैरह यूज की जाती हैं वो इसमें बहुत ज्यादा यूज की जाती हैं, और गर्भपात के लिए एबॉर्शन के लिए जो दवाइयां यूज की जाती हैं वह भी दी जाती हैं, ताकि स्त्री को मेंसेस माहवारी नियमित हो जाए, उसकी डायबिटीज कंट्रोल हो जाए, तो धीरे धीरे जो हार्मोन्स हैं वो सही लेवल पे आने लगेंगे और स्त्री ठीक होने लगेगी। परंतु ये परमानेंट क्योर नहीं रहता, कुछ समय के लिए ये चीजें दब जाती हैं, परंतु फिर पीसीओएस या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का रिकरेंस होता है, यानी वो फिर से वह बीमारी से स्त्री ग्रसित हो जाती है। अब आयुर्वेद में इसका कुछ समाधान है या नहीं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आयुर्वेद में इसका परमानेंट क्योर है, बशर्ते आप अपना जो डाइट है वो अच्छा रखें, मूंग की दाल रोटी लौकी परवल भाजी अनार पपीता सेव आदि खाएं, एक्सरसाइज अच्छे ढंग से करें, ज्यादा मिर्च मसाला खटाई तेल की चीजें ना खाएं, तो आयुर्वेद में इसका परमानेंटली क्योर है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं आयुर्वेद का एक बहुत ही अच्छा नुस्खा, जो शायद कोई डॉक्टर ओपन नहीं करता, ये सीक्रेट्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं अपने मरीजों में जो यूज करता हूं वही आपको बताने जा रहा हूं, इससे पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कंप्लीटली क्योर हो जाता है। जरूरत है कि 5-6 महीने रेगुलर दवाइयां चलाई जाए। तो लिखिए, यह जो फार्मूला है अच्छे से लिखिए, दवाइयां ज्यादा हैं परंतु यदि आप इसका प्रयोग नहीं करते तो परमानेंटली क्योर यानी पूरी तरह यह रोग जड़ से खत्म नहीं होगा, इसको जड़ से खत्म करने के लिए इन दवाइयों का उपयोग करना आवश्यक होता है। तो लिखिए, डावर या वैद्यनाथ की ही आपको लेनी है। पहली चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको सुबह शाम खाने के 1 घंटे पहले गुनगुने पानी, 1 कप गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर लेनी है। क्या क्या लेना है आपको, रजह प्रवर्तनी वटी, डावर या वैद्यनाथ की ले लीजिए, रजह प्रवर्तनी वटी 2 गोली, कांचनार गुग्गुल 1 गोली, सोथारी लोह 1 गोली, वृद्धिवादी का वटी 1 गोली। फिर से दोहराता हूं,
रजा प्रवर्तनी वटी दो गोली, कांचनार गुगुल एक गोली, सोथारी लोह एक गोली, वृद्धिवादिका वटी एक गोली, एक कप गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद मिलाकर खाने के एक घंटे पहले सेवन करें सुबह शाम। दूसरी चीज जो आपको खाने के एक घंटे बाद लेना है, मेदोहर गुगुल एक गोली, आरोग्य वर्धनी वटी एक गोली और पंच तिक्त घृत गुगुल एक गोली। अच्छे से सुनिए, मेदोहर गुगुल एक गोली, आरोग्य वर्धनी वटी एक गोली और पंच तिक्त घृत गुगुल एक गोली, एक कप गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद मिलाकर खाने के एक घंटे बाद सुबह शाम सेवन करें। यदि स्त्री को डायबिटीज नहीं है तो आगे जो मैं फार्मूला बताने जा रहा हूं उसका भी सेवन करें, और यदि है तो इन सायरप्स का सेवन ना करें। स्पष्ट बता रहा हूं मैं कि डायबिटीज नहीं है तभी इनका सेवन करें। तो तीसरी चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, डायबिटीज नहीं होने पर ही उनका सेवन करें, अशोकारिष्ट दो चम्मच, दशमूलारिष्ट दो चम्मच और पुनर्नवारिष्ट दो चम्मच। अशोकारिष्ट दो चम्मच, दशमूलारिष्ट दो चम्मच, पुनर्नवारिष्ट दो चम्मच एक कप पानी में मिलाकर सुबह शाम सेवन करें, तथा त्रिकटु चूर्ण रात में सोने के पहले एक चम्मच त्रिकटु चूर्ण गुनगुने पानी से रात में सोने के पहले आप सेवन करें तो बहुत फायदा मिलेगा। मैं आपको कहता हूं कि एक ही महीने में इतना फायदा होने लगेगा कि अधिकतर सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे, परंतु 5 से 6 माह आपको रेगुलर दवाइयां चलानी है तभी ये चीज परमानेंटली जाएगी, अन्यथा ये फिर से आ सकती है। तो मैं समझता हूं आप इतना जरूर बुद्धिमत्ता उपयोग करेंगे, किसी भी चीज को परमानेंटली खत्म करना है तो आप इसका उपयोग जरूर 5 से 6 माह करेंगे। अब एक एक्सटर्नल प्रयोग बता रहा हूं मैं कि नीम की पत्ती 20 से 30 नीम की पत्ती 1/4 कप पानी में डाल लीजिए और गर्म कर लीजिए 20 से 30 मिनट, फिर ठंडा करके उसको छान लीजिए गुनगुना सा रहे और अपनी योनि को वेजाइना को डूस कर लीजिए, उससे डूस करना यानी उस पानी से वेजाइना को धो लीजिए, फिर साफ कपड़े से या तौलिए से वहां पे पहुंच लीजिए और काशी शादी तेल एक सिरेंज में भरकर या एक किसी नोजल में भरकर लगभग काशी शादी तेल 5 ml काशी शादी तेल सुबह शाम, सुबह नहाने के पूर्व तथा रात में सोने के पहले वेजाइना में एंटर करिए और उसके बाद पीठ के बल सीधे लेट जाइए, पैरों के नीचे 2-3 तकिया रख लीजिए, कमर के नीचे 2-3 तकिए रख लीजिए ताकि वह अंदर तक जा सके आपके वेजाइना में, यूटेरस तक भी पहुंच सके। तो अंदर तक वो पहुंच जाएगा, फिर आप काशी शादी तेल को आपको 5 ml से 6 ml तक डालना है अपनी वेजाइना में और इस अवस्था में पीठ के बल लेटे रहना है, पैर के नीचे 2-3 तकिए और कमर के नीचे 2-3 तकिए रखकर 15 से 20 मिनट, उसके बाद आप उठ जाइए और आप रात में विश्राम कर सकती हैं और सुबह उसके बाद आप नहा सकती हैं। तो यह थी एक पूर्ण व्यवस्था, एक पूर्ण आयुर्वेदिक पत्रक, एक पूर्ण आयुर्वेद व्यवस्था पत्रक जिसके द्वारा आप पूरी तरह इस रोग को खत्म कर सकती हैं, बशर्ते खान पीन पर कंट्रोल रखा जाए और एक्सरसाइज की जाए। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 100% यह रोग ठीक होगा, बशर्ते मुझ पर विश्वास करें और धीरज के साथ दवाइयां खाएं। तो दोस्तों इस व्यवस्था पत्रक का जरूर आप यह वीडियो पूरा का पूरा देखेंगे और पीसीओडी और पीसीओएस की रियलिटी जो है, जो सच्चाई है, क्यों होती है, क्या लक्षण होते हैं, डायग्नोज कैसे किया जाए, प्रिवेंशन क्या होता है, क्योर क्या होता है, ट्रीटमेंट क्या होता है, वह आप देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करेंगे व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड सर्कल में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा स्त्रियां इसका फायदा उठा सकें। तो जरूर शेयर करिए क्योंकि आपके शेयर करने से लाखों लोगों का भला हो सकता है, खुद का भला तो हर कोई करता है, जो दूसरों का भला करता है वही महान होता है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए क्योंकि मैं अकेला तो लाखों लोगों तक नहीं पहुंचा सकता ना, यह वीडियो आप ही पहुंचाएंगे, तो आप ही इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, तथा यदि मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें और ऐसे ही जादुई नुस्खे जहां पर मैं आपको ऐसे ऐसी चीजें बताता हूं जिनसे आप गंभीर से गंभीर बीमारी को कंप्लीटली खत्म कर सकते हैं, उनको पाने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, घंटी का निशान जरूर दबा दें, तभी आपको मेरे आगामी जादुई सफल सरल रामबाण नुस्खों के नोटिफिकेशन अपडेट्स तुरंत मिल सकेंगे।
और यदि आप मुझसे दवाइयां बुलवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप अपनी समस्या, रिपोर्ट्स, नाम, नंबर, पता, उम्र आदि सारा मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप करना है आपको, मैसेज नहीं करना, व्हाट्सएप करना, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। फिर मैं आपको मैसेज करूंगा फॉर कॉल, तब आप मुझे कॉल करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कितने माह दवा चलानी है, एक महीने की दवा की कीमत क्या है। एक दिन पहले ही दवा की एडवांस पेमेंट करने पर, यानी एक दिन पहले ही दवा की पूरी कीमत जमा करने पर और मुझे बताने पर, मैं दूसरे दिन दवा भेज देता हूं। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा नहीं है, इसलिए उसकी मांग ना करें। मैं दवा आपको भेज देता हूं और उसकी रिसीप्ट भी मैं आपको भेज देता हूं, जिस रिसीप्ट के द्वारा आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं कि दवा किस दिन कहां तक पहुंची है। जनरली भारत में 5 से 8 दिन में दवा पहुंच जाती है। तो दोस्तों, आप इस प्रोसीजर के तहत मुझसे दवाइयां बुलवा सकते हैं। तो आप सफल रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, सरल रहें। थैंक यू सो मच।